कहानी शुरू होती है जकार्ता से, जहां हमें हनीफ और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। हनीफ अपनी वाइफ नदिया और अपने तीन बच्चों के साथ अपनी कार से पास ही के एक गांव में जा रहे हैं, जहां हनीफ का पूरा बचपन बीता था। दरअसल हनीफ अनाथ है, जिसे एक हार्बोर ने ही पाला पोसा था और बड़ा किया, और वहां के ओरफोंग मैनेजर मिस्टर वांदी, जिन्होंने हनीफ को पाला था और जो उस अनाथालय की देखभाल भी करते थे, अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है और जिन्हें देखने के लिए हनीफ जा रहा है। रास्ते में हनीफ और उसकी फैमिली बड़े एंजॉयफुल मूड में होती है, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि कार से कुछ टकरा गया है और वो नीचे उतरकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक हिरण मरा हुआ मिलता है और उन्हें लगता है कि शायद यही हिरण कार से टकराया होगा और उन्हें अफसोस होता है, और जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी कैमरा फ्लैश होता है और हमें रोड की दूसरी साइड एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो घायल वहीं पड़ी हुई है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें मामन और सिति मिलते हैं, जो हनीफ के अच्छे दोस्त हैं। हनीफ को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मामन और सिति को किसी ने एडॉप्ट नहीं किया, इसी कारण वो लोग यहीं पर रहकर इस अनाथालय की देखभाल करते थे। वहीं एक और कार आकर वहां पर रुकती है, जिसमें एंटोन और जेफरी होते हैं, जो हनीफ के जिगरी दोस्त थे, जो अपने अपनी वाइफ लीना और ईवा को भी साथ में लाए हैं, क्योंकि वो भी मिस्टर वांदी को देखने आए हैं। अब सारे दोस्त मिलकर एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और कुछ एल्बम्स भी देख रहे हैं। लेकिन जब हनीफ देखता है कि अनाथालय पूरी तरह खाली है, जिसके बाद वो मामन से पूछता है कि अब यहाँ पर कोई भी बच्चा क्यों नहीं रहता, जिसके बाद मामन जवाब देता है कि सारे बच्चे पास के जंगल में पिकनिक पर गए हैं, जो अभी लौटने ही वाले हैं। हालांकि अनाथालय में दो और बच्चे थे, जिसका नाम हसबी और रानी था। अब रानी हनीफ के बच्चों को वहाँ पर घुमाती है और बताती है कि जब वो 10 साल की थी, तब उसकी माँ ने उसे यहाँ पर छोड़ा था और उसे आज भी यकीन है कि वो उसे लेने जरूर आएगी। वहीं एक और हनीफ और उसके सारे दोस्त मिस्टर वांदी को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसी बीच छोकी एक रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है और कहती है कि ये रूम 20 सालों से लॉक है, जहाँ एक मीरा नाम की लेडी की डेथ हुई थी, जो मेंटली बहुत ही ज्यादा जो मुरली नाम की एक बच्ची पर किसी काले साये के होने का क्लेम कर रही थी, जिसे इसी रूम में बंद कर दिया गया था और जिसके बाद वह बहुत देर तक अपने सर को इस दरवाजे से पीटती रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और वो बच्ची मुरीन भी उसी दिन से गायब है और वो किस हाल में है इसका कुछ भी नहीं पता। अब रात होती है और सभी लोग डिनर करने जाते हैं, जहाँ हनीफ और एंटोन कार से कुछ सामान लेने जाते हैं, जहाँ हनीफ को उसकी कार पर कुछ बुलेट और एक कपड़े का टुकड़ा दिखता है और उसे शक होता है कि यहाँ आते वक्त कार से कोई इंसान ही टकराया है, जिसके बाद वो अपने दोस्त जेफरी के साथ वापस उसी जगह पर जाता है, जहाँ उन्हें वही हिरण नजर आता है जो मरा हुआ था। और खोजबीन करने पर हनीफ को एक छोटी बच्ची नजर आती है, जो बुरी तरह इंजर्ड है, और जेफरी को एक बस भी दिखाई देती है, जो उसी अनाथालय की थी, जिसमें वही बच्चे थे जो पिकनिक मनाने गए थे, जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। किसी बच्चे की आंख नहीं थी तो किसी का सिर बुरी तरीके से बिखेर दिया गया था और सारे बच्चों को बहुत ही बुरी तरह मारा गया था। अब हनी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल नहीं लगता, और जिसके बाद वो लोग उस छोटी बच्ची को लेकर वापस अनाथालय आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एंटोन नजर आता है और उन दोनों से पूछता है कि वो इतनी रात को कहाँ गए थे, जिसके बाद हनीफ उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि सारे बच्चों को किसी ने जानबूझकर मारा है, जिसके बाद एंटोन कहता है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन 2 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर फोन की लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही है, जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़कर पुलिस को लेकर आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ उन बच्चों की बस खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे शायद जेफरी और हनीफ की बातों पर यकीन नहीं था और वो खुद ही ये सब कुछ देखना चाहता था। अब जैसे ही वो बस में एंटर करता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे जिंदा है, लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह बिगड़ी हुई है, जिसके बाद वह पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस बस का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और एंटोन को बाहर एक औरत नजर आती है, जो काले कपड़े पहने हुई है। तभी एक बैग से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं और वो एंटोन के शरीर में घुसने लगते हैं, जिस कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब आगे हमें लीना और जेफरी को दिखाया जाता है, जहाँ लीना जेफरी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और उसके हाथ में एक चाकू और एक एप्पल था, जिसे वो खा रही थी, और वो खाते खाते एक मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बॉडी उस आईने में बहुत ही बड़ी नजर आती है और वो अपने गले को चाकू से काटने लगती है। वहीं एक और युवा जो अपने रूम में सो रही थी, उसके ऊपर भी किसी तरह के कीड़े गिर जाते हैं और वो उसके मुंह में चले जाते हैं। वहीं लीना के पास जेफरी आ जाता है, जो उसे अपनी बॉडी को काटने से रोकता है, और अब लीना को भी समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो अपनी हालत को देखकर बेहोश हो जाती है। जेफरी हनीफ को मदद के लिए बुलाता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर इवा भी आ जाती है, जो उल्टी कर देती है, जिससे वो सारे इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं जो उसके मुंह के अंदर गए थे, और वहीं एक कीड़ा उसके हाथ में घुस गया था। उसे देख इवा अपने हाथ को खोदने लगती है, जिससे वो इंसेक्ट बाहर निकल जाता है। वहीं किसी तरह
हनीप और जयप्रिय उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। गाड़ी चला रही नादिया को समझ में नहीं आता है कि वो लोग बारी बारी से उसी जगह क्यों आ जा रहे हैं, क्योंकि वो घूम फिर के वापस अनाताली आ जाते हैं और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तभी जयप्रिय और हनीप बताते हैं कि ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका है, जब उस अनाथालय में 3 लड़कियां जलकर मर गई थी जिन्हें मीरा ने काले जादू से मारा था, और जब वो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे तब वो इसी तरह वापस घूम फिर के वापस इसी जगह पर आ जाते, जिसके बाद वो मिस्टर वांदे की मदद से मिस मीरा को किसी तरह रूम में बंद कर दिया था जहां उसकी मौत हो गई थी, और जिसके बाद उसे उसी रूम में दफना दिया गया था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हनीफ के बेटे हसबी को देखते हैं, जिसका एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है और वो एक स्टेपल से अपना मुंह स्टेपल कर लेता है। और वहीं एक तरफ हम हॉकी को भी देखते हैं जो टीवी पर कार्टून देख रहा था, जहां उसे टीवी के ऊपर एक औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और अपने भाई हसबी के पास जाता है जो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो हॉकी को एक गन से शूट कर देता है जिससे हॉकी घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं जो उन्हें यहाँ से लेने के लिए आए थे, क्योंकि अब वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ उनकी जान को खतरा है। लेकिन नदिया को उसके बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते, जिसके बाद वो मिस्टर वांदी के रूम में भी जाकर देखती है, जहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोज होती है, जिससे एक राज पता चलता है कि मिस मीरा कोई पागल नहीं थी बल्कि उसे मिस्टर वांदी ने ही पागल साबित किया था, क्योंकि मिस्टर वांदी अनाथालय की छोटी छोटी बच्चियों को बहुत ही सताया करता था और उसी ने उन तीनों लड़कियों को जलाया था। मिस मीरा को ये सब कुछ पता चल चुका था और वो मुरी नाम की लड़की को बचा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर वांदी ने हनीप और एंटोन और जेफ्री के साथ मिलकर उसे उस कमरे में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसे वहीं पर दफन कर दिया गया, क्योंकि मिस्टर वांदी नहीं चाहता था कि उसका ये राज किसी के सामने खुले, इसलिए उसने मिस मीरा को पागल कहकर खत्म कर दिया। हालांकि हनीप, जेफ्री और एंटोन को ये सब बातें नहीं पता थी, क्योंकि उस समय वो लोग छोटे बच्चे थे, लेकिन हनीप को बहुत अफसोस होता है कि उसने अनजाने में एक इनोसेंट को मार दिया। अब सब लोग समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे मिस्टर वांदी ही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो इस बीमार हालत में वो ये सब घटनाओं को कैसे परफॉर्म कर सकता है, जिसके बाद उनका शक सिती और मामन पर जाता है और उन्हें लगता है कि वो ही उन सब लोगों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी यहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन उन दोनों का भी इन सब में कोई हाथ नहीं था। सिती बताती है कि उसे पता था कि कैसे मिस्टर वांदी ने उन लड़कियों को जलाकर मारा था, लेकिन मिस्टर वांदी ने उसे भी धमकाया था, इसी कारण ये बात किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि मिस्टर वांदी ने कहा था कि जैसे मीरा को मारा था उसी तरह वह उसे भी मार देगा, जिस कारण वह बहुत डर गई। अब आगे हम देखते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हनीफ की कार से हुआ था और वह लड़की कार में थी और अब उसे होश आ जाता है। अब वो घर के अंदर आती है और हनीफ उससे पूरी बात पूछता है कि आखिर उस बस में क्या हुआ था। तब वो लड़की कहती है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक लेडी आई, जिसने सारे बच्चों पर कोई मंत्र फूंका, जिससे वो सारे बच्चे उस औरत के काबू में हो गए और वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगे, जिससे वे सब मारे गए। लेकिन मैंने वो मंत्र नहीं सुने क्योंकि मेरे कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, और बाद में मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी, तभी मेरा किसी कार से एक्सीडेंट हो गया। अब हनीफ सारी बात समझ जाता है और उसे ये सब सुनकर मिस्टर वांदी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की हरकतों की वजह से मासूम लोगों की जान चली गई। हनीफ मिस्टर वांदी को मारने लगता है, लेकिन नदिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी हनीफ को उसी बॉक्स से एक और फोटो मिलती है, जिसमें मिस मीरा के साथ एक बच्ची होती है जो दरअसल में मिस मीरा की ही थी, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मुरी नहीं थी। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि ये सब मुरी नहीं कर रही थी। हनीफ सबको अनाताली से भागने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि इवा को मुरीन काबू में कर लेती है, और जिसके बाद इवा अपना सिर कार में मारने लगती है। हनीफ मुरीन को ये सब रोकने का कहता है, लेकिन अब वहाँ मुरीन भी आ जाती है और अपने सुपरनेचुरल पावर से हनीफ का गला दबाने लगती है। वहीं एक तरफ रानी नदिया के ऊपर एक ईंट से हमला कर देती है, क्योंकि उस पर भी मुरीन ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद नदिया बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मुरीन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रही है और उनके साथ कोई काला जादू करने वाली होती है, और कमरे में चारों तरफ कैंडल ही कैंडल थी जिनकी मदद से वो काला जादू करेगी। अब नदिया मुरीन से उसके परिवार की जान की भीख मांगती है, और वो कहती है कि उस समय हनीफ, जेफरी और एंटोन बहुत छोटे थे और अनजाने में उन्होंने मिस मीरा के कातिल का साथ दे दिया था, लेकिन मुरीन उसकी बात को नहीं सुनती है। नदिया कहती है कि उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें तुमने उस बस में मार डाला। तब मुरीन कहती है कि ये तो अच्छा हुआ कि वो मर गए, नहीं तो उन्हें भी बहुत कष्ट झेलने पड़ते और यहाँ पर उन बच्चों को नरक की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती। जिसके बाद मुरीन नदिया को कहती है कि अगर तुमने अपने हाथों से हनीफ को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगी, जिसके बाद नदिया ना चाहते हुए भी हनीफ को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर हॉकी आ जाता है जो मुरीन को पीछे से चाकू से स्टेप कर देता है, और मौका पाकर नदिया भी मुरीन का सिर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन मुरीन का काला जादू इतना पावरफुल था कि
की उसका सिर फिर से जुड़ जाता है और वो नदिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नदिया वो ही कैंडल मुरीन के ऊपर फेंक देती है जो उसने काले जादू के लिए जलाई थी, जिसके बाद मुरीन का काला जादू उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसी रूम में मिस्टर वांदी भी जलकर मर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नदिया को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई है, जहाँ उसे उसकी कार के मिरर में मुरीन का चेहरा नजर आता है, लेकिन जब वो उतरकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।